आज हम अध्याय 4 में कृषि के अंतर्गत प्रश्न उत्तर देखेंगे, क्योंकि हमने आपको बता दिया कृषि क्या है। कृषि में खाद्यान्न और अखाद्यान्न फसलें दोनों होती हैं। उसमें हमने देखा कि किस तरह से खाद्यान्न फसलों में भी हम उत्पादन को बढ़ाकर उसमें लाभ कमा सकते हैं, और साथ ही साथ हम अखाद्यान्न फसलों में भी उत्पादन बढ़ा सकते हैं, और उसके साथ साथ हम कृषि क्षेत्र में फलों का भी उत्पादन करके, औषधीय पौधों का उत्पादन करके भी हम पैसे कमा सकते हैं या लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर देखें बहुविकल्पीय, ये सारी आप देख रहे हैं कि क्या, जैसे एक ही फसल कृषि प्रणाली को दर्शाता है, फिर इसमें कौन सी रबी की फसल है, इसमें कौन सी एक फलदार फसल है, फिर निम्न में से कौन सी घोषणा फसलों की सहायता देने के लिए करती है, तो ये आंसर आपको नीचे दिए हुए हैं। फिर देखेंगे कि एक पेय फसल का नाम बताइए तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। अब चाय एक पेय पदार्थ की फसल है। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी में होता है, और जल सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में उगाया जाता है। इसमें हम देखेंगे कि ये वर्ष भर कोष्ठ नम पालन रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा इसके कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। भारत जो है विश्व का अग्रणी चाय उत्पादन का देश है। फिर देखिए भारत की खाद्यान्न फसल का नाम बताइए, जहाँ यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दीजिए। जैसे गेहूं की एक प्रमुख खाद्य फसल है, या जिस हम देखेंगे यहाँ पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। गेहूं उगाने वाले दो प्रमुख देश है, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्षिण में काली मिट्टी वाला प्रदेश, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान मध्य प्रदेश, यहाँ कुछ भागों में गेहूँ पैदा करने वाले प्रमुख राज्य हैं। फिर देखेंगे सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर देखो क्या है, हम किस तरह से, जैसे अभी हम अभी आपको पढ़ा रहे थे, तो हमने जूतों की चकबंदी क्या है वो हमने आपको बताया, छोटे छोटे खेतों को बड़े खेतों में परिवर्तित करके हम उसमें आधुनिक मशीनों का उपयोग कर सकते हैं और उससे उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं। फिर जमींदारी प्रथा की समाप्ति, फिर अधिक उपज देने वाले बीजों के लिए के द्वारा हरित क्रांति लाना, फिर पशुओं की नस्ल में सुधार करके दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाना, फिर बाढ़ चक्रवात आग बीमारी से फसल बीमा जो है वह होना आवश्यक है, ताकि इससे क्या होगा, आप कृषि का भी बीमा कर सकते हो, एनिमल का भी मतलब जानवरों का भी, जैसे गाय बैल है उनका भी बीमा करा सकते हैं। इससे क्या होगा, बीमा होने से आपको उसका जो है मुआवजा वह प्राप्त हो जाता है। फिर किसानों को कम दर में ऋण दिलाना, ग्रामीण बैंकों सहकारी समितियों बैंकों की स्थापना की गई है। फिर क्रेडिट कार्ड द्वारा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी शुरू की गई है। फिर आकाशवाणी में दूरदर्शन पर विशेष किसान कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जिसको समय समय में उनको मानसून या मौसम की जानकारी मिलती रहती है। किसानों दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य की घोषणा सरकार करती है, जिससे कि लाभदायक खरीद मूल्यों की घोषणा भी सरकार करती है। फिर दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है, क्या आप इन परिणाम कल्पना कर सकते हैं? ये आवश्यक है, क्योंकि जनसंख्या जिस तरह से बढ़ती जा रही है तो कृषि भूमि में भी कमी आई है, क्योंकि भूमि आवास के लिए हम प्रयोग करने लगे हैं। कृषि उपयोग और कृषि के प्रति बढ़ती भूमि के प्रतिबंध के कारण कृषि भूमि में भी कमी आ गई है, और भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ घटता खाद्यान्न उत्पादन देश की भविष्य खाद्यान्न सुरक्षा के लिए प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि अर्थशास्त्रियों का मानना है बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार जोतों यदि खाद्यान्न खेती पर भी हो रही है, क्योंकि किसानों का भविष्य जो है अंधकारमय होता जा रहा है। फिर यहाँ देखें कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। तो क्या है, हम किस तरह से कृषि उत्पादन वृद्धि कर सुनिश्चित कर सकते हैं, जैसे जमींदारी प्रथा का कृषि उन्मूलन, फिर जमींदारी प्रथा एक अभिशाप है इसको कम करना, फिर खेतों की चकबंदी करना, या हमको आप बता चुके हैं चकबंदी क्या है, फिर हरित क्रांति के द्वारा मतलब अच्छी किस्म के बीजों का उपयोग करके भी हम कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। सिंचाई परियोजना के निर्माण में किसानों को पर्याप्त सुविधाएं, छोटी छोटी सिंचाई परियोजनाएं शुरू करनी चाहिए। फिर फसल का बीमा होना चाहिए, जिससे कि सूखा बाढ़ आग आदि नष्ट होने पर किसानों को बहुत हानि ना उठानी पड़े। फिर सरकारी संस्थाएं किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंकों सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई है। ये संस्थाएं किसानों के महाजनों चंगुल से बचाती हैं। फिर किसानों को लाभ के लिए भारत सरकार ने क्रेडिट कार्ड व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा शुरू की है, जिससे कि उनको लाभ मिल सके। फिर खेती में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग पर बल दिया गया है। कृषि सुधार के लिए भविष्य में कृषि अनुसंधान परिषद कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, चाहे कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि कर सके। फिर देखेंगे भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव,
वैश्वीकरण से हमारा तात्पर्य विश्व के अनेक देशों का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में एक दूसरे के निकट आना। तो इससे क्या होगा, देशों में अन्न का निर्यात कर अच्छी जरूरत या सामान खरीदने लगा है, फिर फसलों की मांग में बढ़ने से भारत में इन चीज़ों का अधिक उत्पादन होने लगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिकने से भारतीय किसानों के उत्पादन का बढ़ता स्तर भी बढ़ने लगा है, फिर वैश्वीकरण के कारण उत्पादित चीज़ों को दूसरे देशों में बेचकर अच्छे दाम भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से हम नई नई चीज़ों की पैदावार भी होने लगी है और पहले से यह सब संभव नहीं था। फिर वैश्वीकरण के कृषि का बुरे प्रभाव भी पड़े जो निम्नलिखित, जैसे धनी देशों में, विकासशील देशों में अनाज सस्ता अनाज और कृषि प्राप्त बहुत सारी बड़ी मात्रा भरनी पड़ती है, फिर धनी देश निर्धन देशों से सस्ती दरों पर अनाज खरीदने की कोशिश करते हैं, फिर छोटे किसानों को कृषि कार्य छोड़ना पड़ता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा टिक नहीं पाते हैं, फिर व्यापारिक कृषि को बढ़ावा दिया जाता है, पैदावार में बाजार की मांग थी ना कि जनता की आवश्यकता पूरी करने की चीज़ों की आवश्यकता होती है। फिर कृषि के वैश्वीकरण के कारण भी भारत को लंबे ब्रिटेन उपनिवेश बनाकर किसी अतिरिक्त बोझ का वहन भी करना पड़ा। फिर इसी तरह से हम देखेंगे 1990 के बाद भी वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट, मसालों की भी हुई। फिर चावल की खेती उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें, भारत में अधिकांश लोग खाद्यान्न चावल, हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, यहाँ एक खरीफ फसल जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, अधिकतर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। चावल उत्तर पूर्वी मैदानों में, तटीय क्षेत्रों में, डेल्टा हिमालय पाया जाता है, नदी घाटियों और डेल्टा प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए आदर्श होती है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल उगाना संभव हो गया। स्वाभाविक है, जहाँ पर सिंचाई की सुविधा होगी, नहर होंगे, जल नलकूप होंगे, वहाँ पर हम आसानी से चावल का उत्पादन कर सकते हैं। और चावल जून जुलाई में दक्षिण पश्चिम पवनों के शुरू होने पर उगाया जाता है और पतझड़ ऋतु में से काट लिया जाता है। इस तरह से हम चावल की खेती को उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर हम उसका उत्पादन कर सकते हैं। साथ ही साथ भारतीय कृषि विश्व विकसित देशों में स्पर्धा करने में असमर्थ है, इसको भी हम अत्यधिक सब्सिडी दी जाती है, जिससे कि कृषि को सक्षम बनाया जा सके और छोटे छोटे किसानों की स्थिति को भी सुधारी जा सके। यह भी आवश्यक है कि सरकार समय समय पर बहुत से कानून बनाती है, बहुत सी सुविधाएं देती है जो कि किसानों को पता नहीं होता, इसकी जानकारी उनको होना आवश्यक है। समय समय पर भूमि संबंधी जानकारी भी उनको लेनी चाहिए, मानसून से संबंधित जानकारी भी लेनी चाहिए, भूमि में हमें कौन सी खाद डालनी है, कितना डालना है, कितना कीटनाशक डालना है, ये सारी चीज़ें भी उन्हें मालूम होनी चाहिए ताकि वे उत्पादन अधिक से अधिक करके लाभ अधिक से अधिक वे कमा सकें।